शिव और कृष्ण जिस भूमि पर मिले हैं वो भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। भूमि का भी बड़ा महत्व रहता है। एक भूमि बद्री नारायण की, वहां पर भी मेरे हरिहर मिलन हुआ है, शंकर का मिलन भगवान नारायण से। क्योंकि जो बद्रीनाथ की भूमि है वो तो शंकर की थी, वो तो भगवान ने विष्णु भगवान को दे दी, उनको अच्छी लगी लक्ष्मी जी को, इसलिए प्राप्त हुआ है। मृदा का महत्व, मिट्टी का महत्व हमारा शास्त्र वर्णन करता है, बड़ा महत्व, बड़ा। महाराज एक रुपए कमा रहे हो, सवा रुपए खर्च हो रहा है, पैसा हाथ में नहीं दिख रहा, पैसे की कमाई नहीं हो रही, बहुत टेंशन चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, तिरुपति जाओ। तिरुपति में कहाँ जाना है? मंदिर में दर्शन करना है क्या? दर्शन करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। दो जगह पर तिरुपति में जाना, एक तिरुपति के नीचे कपिलेश्वर महादेव, दूसरा तिरुपति पर ऊपर पुष्करणी। कपिलेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे के भाग में जो कुंड है उसका जल, ऊपर जो पुष्करणी है उसका जल, पुष्करणी के अंदर भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति है जल के अंदर, जो साल भर में एक बार निकलती है। आप लोगों ने कई बार दर्शन भी करे होंगे। साल में एक बार भगवान तिरुपतिनाथ की, वेंकटेश भगवान की मूर्ति उस पुष्करणी से निकलती है जब पानी कम होता है। तो पुष्करणी की रज, पुष्करणी की रज लाकर कपिलेश्वर महादेव के कुंड में अपनी कामना कर रज को धोकर उस रज को लाकर घर में किसी भी स्थान पर रख लीजिए, व्यापार वाली जगह पर, संपदा कभी कम नहीं होगी। लोग कहते तिरुपति जाओ।